नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ मिलता है। इंग्लिश में यदि आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उसमें ये लिखा मिलता है, एज एज ऑन। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर यह लिखा है 1/3/2021, मतलब 1/3/2021 तक आपकी उम्र कितनी है। मान लीजिए कोई फॉर्म है उसमें ऐसा लिखा मिलेगा आपको, इसका मतलब ये हुआ कि ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, मतलब इस तारीख तक कैंडिडेट की उम्र कितनी है। इसको कैसे निकालेंगे इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। तो देखिए, मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 24/6/1995 है। तो यदि उसको निकालना है कि इस तारीख तक इस कैंडिडेट की उम्र कितनी है तो कैसे निकलेगा, मैं आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इसको ऊपर लिख लेते हैं 1/3/2021। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन का जो डेट होता है, आप कोई भी फॉर्म जब देखेंगे जो नोटिफिकेशन डेट होता है ये ब्रैकेट में दे दिया जाता है कि इस तारीख तक अपनी उम्र निकाल कर भरना होता है। तो सबसे पहले ये लिख लिया मैंने ऊपर। उसके बाद जिस कैंडिडेट को अप्लाई करना है फॉर्म, उसकी डेट ऑफ बर्थ, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 24/6/1995 है। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस देखिए नॉर्मली हम लोग इधर से करते हैं, राइट साइड से, लेकिन इसमें क्या है कि इसको उल्टे साइड से हम लोग माइनस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1/24 को माइनस करना है, तो 1/24 तो माइनस होगा नहीं, तो ये क्या करेगा कि ये बगल वाले से इससे एक ले लेगा। तो चूंकि ये मंथ में है, ये क्या है, मंथ में 03 मंथ्स, तो ये इसको एक देगा, तो ये चूंकि डे में है, डेज, तो ये मंथ में है, ये डे में है, तो ये जब देगा तो इसको डे में कैसे दे सकता है, ये तो जब भी देगा इसको मंथ में ही देगा, तो ये इसको पूरा एक मंथ देगा। तो यहाँ पे 03 है, तो 03 मतलब कि मार्च महीना, तीसरा महीना, तो तीसरा महीना उठ के सीधे इसमें आके जुड़ जाएगा। तो चूंकि तीसरे महीने में 31 दिन होता है, मार्च के महीने में 31 दिन होता है, तो इसमें पूरे एक महीना यानी कि 31 दिन प्लस हो जाएगा। यहाँ से एक महीना उठ के जब इसमें जुड़ेगा तो एक महीना, चूंकि यहाँ पर मार्च का महीना है, तो पूरे एक महीना मार्च महीने में 31 दिन होता है, तो इसमें 31 दिन आकर जुड़ेगा। तो पहले से 1 है और 31 आके इसमें जुड़ गया, तो कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिख दिया था, 32 हो गया। और ये इसको एक दिया एक महीना, 1 मंथ दे दिया, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया। ठीक है, अब इसको चलिए 32 में 24 को यदि माइनस करेंगे तो 8 आएगा। अब देखिए, इसका हो गया, ये दिन का निकल गया, अब मंथ का क्लियर करते हैं। यहाँ पर 2 मंथ बचा है क्योंकि 1 मंथ इसको दे दिया है। अब देखिए, 2 मंथ है, ये 6 मंथ है, तो 2 मंथ में से 6 मंथ कैसे माइनस होगा, नहीं होगा। तो ये 2 मंथ क्या करेगा, इससे ले लेगा कितना देगा, तो कम से कम 1 ईयर तो देगा, 1 ईयर, क्योंकि ये ईयर में है, तो जब भी देगा तो ईयर में ही देगा, तो ये पूरा 12 महीने इसको देगा। एक ईयर का मतलब ये इसको 12 महीना देगा, 12 महीने। ठीक है, 12 मंथ्स, तो इधर से 1 माइनस होगा क्योंकि ये इसको एक देगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2021 पहले था तो 1 साल दे दिया उसको, तो 2020 हो गया। ये पहले 2 महीना था, इससे 1 साल लिया है, तो 1 साल लेने पे इसको क्या हो जाएगा, पहले 2 मंथ था, इधर से 12 मंथ ले लिया, तो कितना महीना हो गया, 14 महीने। अब 14 में से 6 महीना माइनस कर दीजिए तो 8 महीना। अब यहाँ पे देखिए, 2020 बच गया, पहले 2021 था,
इसको एक साल दे दिया तो 2020 बच गया इसके यहाँ। अब इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चा 11 में से 9 गया 2, 0 ही 0, तो ये निकल के आया आपका 25 ईयर्स 8 मंथ्स एंड 8 डेज। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। चलिए एक एक एग्जांपल और आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे। मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ मैं चेंज कर दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 3/12/1996 है, तो उसका कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको ऊपर वाले को लिख लेते हैं नोटिफिकेशन डेट को, 1/3/2021, और नीचे डेट ऑफ बर्थ को लिख लेते हैं जिस कैंडिडेट का निकालना है, 3/12/1996। तो इसको माइनस करते हैं, तो चूंकि माइनस मैंने बताया पहले कि लेफ्ट साइड से करना है, आपको राइट साइड से माइनस नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे एक दिन है, नीचे 3 दिन है, मतलब 1 डे में से 3 डेज माइनस करना है। तो कैसे माइनस होगा, नहीं होगा, तो ये इससे एक ले लेगा। तो चूंकि ये मंथ में है तो जब भी इसको देगा तो 1 मंथ देगा, तो इधर से 1 मंथ दे देगा, तो चूंकि लास्ट में इसमें 3 मंथ है, तीसरा महीना है, तो ये सीधे तीसरा महीना उठ के इसमें आके जुड़ेगा इसमें। तो तीसरे महीने में आप जानते हैं 31 दिन होता है, तो सीधे इसमें 31 दिन प्लस हो जाएगा इसमें आके, समझ रहे हैं कि नहीं। ये इससे जब भी लेगा तो एक लेगा, मतलब ये जब भी देगा तो महीने में देगा, क्योंकि ये महीने में है, मंथ में, तो ये इसको तीसरा महीना दे दिया। ठीक है, जब ये तीसरा महीना दे देगा तो इसके यहाँ कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, पहले 3 था, तीसरा महीने इसको दे दिया 31, तब 2 बच गया, तो 31 और एक कितना हो गया, ये 32 हो गया। अब देखिए 32 में से 3 आराम से माइनस हो जाएगा 29, और ये 2 में से 12 फिर नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे इससे ले लेंगे। तो ये भी देगा तो जब देगा एक साल देगा, तो एक साल देगा, एक साल का मतलब 12 महीना, इसको 12 महीना, ये इसको 12 महीना देगा, क्योंकि ये साल में है ये महीना में है, तो एक साल का मतलब 12 महीना होगा, तो इसमें 12 आके जुड़ जाएगा, तो 12 और 2 कितना हो गया, 14 हो जाएगा 14। अब 14 में से 12 माइनस कर दीजिए, 2 महीना। अब यहाँ पर चूंकि इसको एक दे दिया है, तो यहाँ पे एक दिया था पहले, इसलिए मैंने 2021 की जगह 2020 लिख दी। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 1, 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो इससे एक ले लिया, तो 11 में से 9 गया 2, बस मतलब इसका निकल के आया 24 साल 2 महीना 29 दिन। ठीक है, 24 ईयर्स 2 महीना और 29 दिन। ऐसे ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख के निकाल सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल है, जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किसी दूसरे से पूछना ना पड़े, आप इसको देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, किसी और कोई आपका साथी है तो उसकी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ में बहुत से ऐसे मित्र मिलते थे, तो मुझे एक आदमी ने बताया था इस ट्रिक के बारे में, तो मैंने भी बहुत लोग हेल्प किया। तो आप लोग इसको देखिए और ख़ुद अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार निकालने की कोशिश कीजिए। तो आज की जो तारीख है, आज है 22 जून 2021, आप लोग इस तारीख को अपना अपना डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अपनी उम्र निकाल के दिखाइए कि 22/6/2021 तक आप लोगों की उम्र कितनी हो गई है। इसी फॉर्मूले के अनुसार निकलेगा, तो आप लोग निकाल के इस तारीख तक और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, मैं देखूंगा तो अच्छा लगेगा कि मेरा वीडियो कोई देख के आप लोग मतलब बताने के लिए उत्सुक है तो बता सकते हैं, और ताकि मुझे भी लगेगा कि मैंने जो वीडियो बनाया उसको कुछ लोगों ने देखा, और जैसा मैंने बताया था उस तरीके से निकाल कर किसने दिखाया। तो
चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।